मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फ्री रोड मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको ये मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स, है, तो मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फरी रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैर्थी ने एंड निको ल्युथरस ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात किया तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एड्स इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरालाइज थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटली देखने को मिल जाते हैं रिली केग देखने को मिल जाते हैं जॉय क्राविट्स एबे ली एंड कॉर्टे एटोन भी आपको मैड मैक्सफरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेट एन सिक्स ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम होलकैनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं विलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीज़िंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सप्री रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ क्रक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को

इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर बेस्ड है एटामिक बॉर के, के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बॉर के बाद चारों ओर नजर आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटॉमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है जमीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नजर नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी के पास बचा नहीं है वॉर के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण ज्योत के पास है इस जोत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ जोत से ही मुक्ति मिल सकती है ज्योत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आतंक और उससे लोगों को मृत्यु देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुन बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में जोत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं ही है एक्शन सीन का असली मजा थ्री में नजर आएगा जोत के रोल में हुआ चालीस का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर लेते कि कहां पर आपको यह मूवी देखने को नहीं, नहीं ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे देखकर इस इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैडमैक्स फ्री रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है सो so, आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ है, तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी 2015 में रिलीज हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फ्री रोड मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के, के बारे में बॉक्स कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको ये मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फरी रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैर्थी ने एंड निको ल्यूथरस ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात किया तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एड्स इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरलाइज थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटली देखने को मिल जाते हैं रिली really? केग देखने को मिल जाते है जॉय क्राविट्स ली एंड कॉर्टे एटोन भी आपको मैड फरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेटन सिक्स ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम हॉलकनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं विलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज़ हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सप्री रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ क्रक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो सबसे पहले बजट की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी का बजट 155 से लेकर एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो मैक्स फरी रोड मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी मैक्स फरी रोड मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में टीम के बारे में तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर वेस्ट है एटामिक बौर के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बौर के बाद चारों ओर नज़र आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है जमीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नज़र नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी पास बचा नहीं है वॉर के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण ज्योत के पास है इस ज्योत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ ज्योत से ही मुक्ति मिल सकती है जोत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिन जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आंतक और उससे लोगों को मृतक देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर कर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुल बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में ज्योत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं है एक्शन सीन का असली मजा थ्री में नजर आएगा ज्योत के रोल में हुआ चालीस का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर रहे थे कि कहां पर आपको यह मूवी देखने को नहीं नहीं ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे देखकर इस इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैड मैक्स फ्री रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है है सो so, आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के आप अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फ्री रोड मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में बॉक्स कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको ये मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फरी रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैरथी ने एंड निको ल्युथरस ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात किया तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एंडस इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरलाइज थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटली देखने को मिल जाते हैं रिली केग देखने को मिल जाते हैं जॉय क्राविट्स एबे ली एंड कॉर्टे एटन भी आपको मैड मैक्सफरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेट एन सिक्स ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम हॉलकनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बिलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीज़िंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सप्री रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ क्रक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को

इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर बेस्ड है एटामिक बॉर के, के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बॉर के बाद चारों ओर नजर आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटॉमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है जमीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नजर नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी के पास बचा नहीं है वॉर के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण ज्योत के पास है इस जोत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ जोत से ही मुक्ति मिल सकती है ज्योत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आतंक और उससे लोगों को मृत्यु देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुन बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में जोत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं ही है एक्शन सीन का असली मजा थ्री में नजर आएगा जोत के रोल में हुआ चालीस का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर लेते कि कहां पर आपको यह मूवी देखने को नहीं, नहीं ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे देखकर इस इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैडमैक्स फ्री रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है सो so, आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी 2015 में रिलीज हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फ्री रोड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के, के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड रोड मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने की पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैरथी ने एंड निको लिथ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात किया तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एंडस इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरलाइज थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटली देखने को मिल जाते हैं रिली really? केग देखने को मिल जाते है जॉय क्राविट्स ली एंड कॉर्टे एटोन भी आपको मैड फरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेट एन सिक्स ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम हॉलकनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बिलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज़ हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सप्री रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ क्रक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो सबसे पहले बजट की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी का बजट 155 से लेकर एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो मैक्स फरी रोड मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी मैक्स फरी रोड मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में टीम के बारे में तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर वेस्ट है एटामिक बौर के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बौर के बाद चारों ओर नज़र आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है जमीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नज़र नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी पास बचा नहीं है वॉर के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण ज्योत के पास है इस ज्योत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ ज्योत से ही मुक्ति मिल सकती है जोत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिन जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आंतक और उससे लोगों को मृतक देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर कर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुल बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में ज्योत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं है एक्शन सीन का असली मजा थ्री में नजर आएगा ज्योत के रोल में और चालीस थोड़ा का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर रहे थे कि कहां पर आपको यह मूवी देखने को नहीं नहीं ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी देखकर इस, इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैड मैक्स फरी रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है सो आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी दो में रिलीज हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फ्री रोड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको ये मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स, है, तो मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फरी रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैर्थी ने एंड निको ल्युथरस ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात किया तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एड्स इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरलाइज थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटली देखने को मिल जाते हैं रिली केग देखने को मिल जाते हैं जॉय क्राविट्स एबे ली एंड कॉर्टे एटन भी आपको फरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेटन सिक्स ने, ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम हॉलकनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं विलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीज़िंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सप्री रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ क्रक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को गया था कितना बॉक्स ऑफिस ने किया था तो सबसे पहले कलेक्शन की की तो की की तो तीन कलेक्शन पचहत्तर मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी मैडमैक्स फरी रोड मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में बारे में तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में क्या कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर बेस्ड है एटामिक बॉर के, के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बॉर के बाद चारों ओर नजर आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है ज़मीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नज़र नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी के पास बचा नहीं है वार के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण ज्योत जो, के पास है इस जोत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ जोत से ही मुक्ति मिल सकती है ज्योत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आतंक और उससे लोगों को मृत्यु देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुल बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में जोत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं ही है एक्शन सीन का असली मजा थ्री में नजर आएगा जोत के रोल में हुआ चालीस का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर लेते कि कहां पर आपको यह मूवी देखने को नहीं, नहीं ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे देखकर इस इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैडमैक्स फ्री रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है सो so, आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ है, तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फरी रोड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने की पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैरथी ने एंड निको लिथ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात किया तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एड्स इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरलाइज थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटले देखने को मिल जाते हैं रिली really? केग देखने को मिल जाते है जॉय क्राविट्स ली एंड कॉर्टे एटोन भी आपको मैड फरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेटन सिक्स ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम हॉलकनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं विलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज़ हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सप्री रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ क्रक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो सबसे पहले बजट की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी का बजट 155 से लेकर एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो मैक्स फरी रोड मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी मैक्स फरी रोड मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में टीम के बारे में तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर वेस्ट है एटामिक बौर के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बौर के बाद चारों ओर नज़र आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है जमीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नज़र नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी पास बचा नहीं है वॉर के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण ज्योत के पास है इस ज्योत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ ज्योत से ही मुक्ति मिल सकती है जोत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिन जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आंतक और उससे लोगों को मृतक देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर कर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुल बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में ज्योत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं है एक्शन सीन का असली मजा थ्री में नजर आएगा ज्योत के रोल में हुआ चालीस का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर रहे थे कि कहां पर आपको यह मूवी देखने को नहीं नहीं ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी देखकर इस, इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैड मैक्स फरी रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है सो आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फरी रोड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैड मैक्स फरी मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको ये मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स, है, तो मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फरी रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैर्थी ने एंड निको ल्यूथरस ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात किया तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एड्स इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरालाइज थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटली देखने को मिल जाते हैं रिली केग देखने को मिल जाते हैं जॉय क्राविट्स एबे ली एंड कॉर्टे एटन भी आपको मैड फरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेटन सिक्स ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम हॉलकनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं विलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीज़िंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज़ हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सप्री रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ क्रक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को गया था कितना बॉक्स ऑफिस ने किया था तो सबसे पहले कलेक्शन की की तो की की तो तीन कलेक्शन पचहत्तर मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी मैडमैक्स फरी रोड मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में बारे में तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में क्या कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर बेस्ड है एटामिक बॉर के, के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बॉर के बाद चारों ओर नजर आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है ज़मीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नज़र नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी के पास बचा नहीं है वार के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण ज्योत जो, के पास है इस जोत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ जोत से ही मुक्ति मिल सकती है ज्योत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आतंक और उससे लोगों को मृत्यु देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुल बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में जोत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं ही है एक्शन सीन का असली मजा थ्री में नजर आएगा जोत के रोल में हुआ चालीस का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर लेते कि कहां पर आपको यह मूवी देखने को नहीं, नहीं ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे देखकर इस इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैडमैक्स फ्री रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है सो so, आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ है, तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फ्री रोड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड रोड मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने की पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैरथी ने एंड निको ल्युथरस ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात किया तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एड्स इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरलाइज थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटली देखने को मिल जाते हैं रिली really? केग देखने को मिल जाते है जॉय क्राविट्स ली एंड कॉर्टे एटोन भी आपको मैड फरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेटन सिक्स ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम हॉलकनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो, की है की 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 है तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं विलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज़ हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सप्री रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ क्रक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो सबसे पहले बजट की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी का बजट 155 से लेकर एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो मैक्स फरी रोड मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी मैक्स फरी रोड मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में टीम के बारे में तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर बेस्ड है एटामिक बौर के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बौर के बाद चारों ओर नज़र आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है जमीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नज़र नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी पास बचा नहीं है वॉर के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण ज्योत के पास है इस ज्योत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ ज्योत से ही मुक्ति मिल सकती है जोत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिन जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आंतक और उससे लोगों को मृतक देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर कर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुल बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में ज्योत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं है एक्शन सीन का असली मजा थ्री में नजर आएगा ज्योत के रोल में और चालीस थोड़ा का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर रहे थे कि कहां पर आपको यह मूवी देखने को नहीं नहीं ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी देखकर इस, इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैड मैक्स फरी रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है सो आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फ्री रोड मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में और बॉक्स कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको ये मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फरी रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैर्थी ने एंड निको ल्युथरस ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एड्स इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरलाइज जा थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटली देखने को मिल जाते हैं रिली केग देखने को मिल जाते हैं जॉय क्राविट्स एबे ली एंड कॉर्टे एटन भी आपको मैडमैक्सफरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेटन सिक्स एल ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम हॉलकनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं विलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीज़िंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज़ हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सप्री रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ क्रक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को

इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर बेस्ड है एटामिक बॉर के, के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बॉर के बाद चारों ओर नजर आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटॉमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है जमीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नजर नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी के पास बचा नहीं है वॉर के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण ज्योत जो, के पास है इस जोत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ जोत से ही मुक्ति मिल सकती है ज्योत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आतंक और उससे लोगों को मृत्यु देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुल बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में जोत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं है एक्शन सीन का असली मजा थ्रीडी में नजर आएगा जोत के रोल में हंगान और चालीस थोरण का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर लेते कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को नहीं नहीं ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश ज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैड मैक्स फरी रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है सो आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी दो में रिलीज हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फ्री रोड मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में और बॉक्स कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड रोड मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने की पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैरथी ने एंड निको ल्युथरस ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात किया तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एड्स इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरलाइज थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटली देखने को मिल जाते हैं रिली really? केग देखने को मिल जाते है जॉय क्राविट्स ली एंड कॉर्टे एटोन भी आपको मैड फरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेटन सिक्स ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम हॉलकनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो, की है। की की है। तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं विलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज़ हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सप्री रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ क्रक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो सबसे पहले बजट की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी का बजट 155 से लेकर एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो मैक्स फरी रोड मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी मैक्स फरी रोड मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में टीम के बारे में तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर वेस्ट है एटामिक बौर के, के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बौर के बाद चारों ओर नज़र आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है जमीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नज़र नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी पास बचा नहीं है वॉर के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण ज्योत के पास है इस ज्योत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ ज्योत से ही मुक्ति मिल सकती है जोत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिन जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आंतक और उससे लोगों को मृतक देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर कर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुल बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में ज्योत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं है एक्शन सीन का असली मजा थ्री में नजर आएगा ज्योत के रोल में हुआ चालीस का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर रहे थे कि कहां पर आपको यह मूवी देखने को नहीं नहीं ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी देखकर इस, इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैड मैक्स फरी रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है सो आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फ्री रोड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने कि बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको ये मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स, है, तो मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फरी रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैर्थी ने एंड निको ल्यूथरस ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात किया तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एंडस इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरलाइज थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटली देखने को मिल जाते हैं रिली केग देखने को मिल जाते हैं जॉय क्राविट्स एबे ली एंड कॉर्टे एटन भी आपको मैड फरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेट एन सिक्स ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम हॉलकनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं विलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीज़िंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सप्री रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ क्रक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को

इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर बेस्ड है एटामिक बॉर के, के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बॉर के बाद चारों ओर नजर आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है ज़मीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नज़र नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी के पास बचा नहीं है वार के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण ज्योत जो, के पास है इस जोत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ जोत से ही मुक्ति मिल सकती है ज्योत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आतंक और उससे लोगों को मृत्यु देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुल बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में जोत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं ही है एक्शन सीन का असली मजा थ्री में नजर आएगा जोत के रोल में हुआ चालीस का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर लेते कि कहां पर आपको यह मूवी देखने को नहीं, नहीं ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे देखकर इस इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैडमैक्स फ्री रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है सो so, आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फ्री रोड मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में और बॉक्स कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड रोड मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने की पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैरथी ने एंड निको ल्युथरस ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात किया तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एड्स इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरलाइज थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटली देखने को मिल जाते हैं रिली केग देखने को मिल जाते हैं जॉय क्राविट्स ली एंड कॉर्टे एटोन भी आपको मैड फरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेटन सिक्स एल ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम हॉलकनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं विलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज़ हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सप्री रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ क्रक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो सबसे पहले बजट की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी का बजट 155 से लेकर एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो मैक्स फरी रोड मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी मैक्स फरी रोड मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में टीम के बारे में तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर बेस्ड है एटामिक बौर के, के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बौर के बाद चारों ओर नज़र आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है जमीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नज़र नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी पास बचा नहीं है वॉर के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण ज्योत के पास है इस ज्योत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ ज्योत से ही मुक्ति मिल सकती है जोत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिन जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आंतक और उससे लोगों को मृतक देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर कर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुल बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में ज्योत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं है एक्शन सीन का असली मजा थ्री में नजर आएगा ज्योत के रोल में हुआ चालीस का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर रहे थे कि कहां पर आपको यह मूवी देखने को नहीं नहीं ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी देखकर इस, इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैड मैक्स फरी रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है सो आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी दो में रिलीज हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फ्री रोड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने कि बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको ये मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फरी रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैर्थी ने एंड निको ल्यूथरस ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात किया तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एंडस इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरलाइज जा थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटली देखने को मिल जाते हैं रिली केग देखने को मिल जाते हैं जॉय क्राविट्स एबे ली एंड कॉर्टे एटोन भी आपको फरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेटन सिक्स ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम हॉलकनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है, की है। तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं विलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सपरी रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड वॉक्स ऑफ क्रक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को

इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर बेस्ड है एटामिक बॉर के, के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बॉर के बाद चारों ओर नजर आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटॉमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है जमीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नजर नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी के पास बचा नहीं है वॉर के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण ज्योत जो, के पास है इस जोत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ जोत से ही मुक्ति मिल सकती है ज्योत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आतंक और उससे लोगों को मृत्यु देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुल बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में जोत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं ही है एक्शन सीन का असली मजा थ्री में नजर आएगा जोत के रोल में हुआ चालीस का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर लेते कि कहां पर आपको यह मूवी देखने को नहीं नहीं ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे देखकर इस इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैडमैक्स फ्री रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है सो so, आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फ्री रोड मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में और बॉक्स कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड रोड मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने की पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैरथी ने एंड निको ल्युथरस ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात किया तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एड्स इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरलाइज थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटली देखने को मिल जाते हैं रिली केग देखने को मिल जाते है जॉय क्राविट्स ली एंड कॉर्टे एटोन भी आपको मैड फरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेटन सिक्स ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम हॉलकनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बिलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज़ हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सप्री रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ क्रक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो सबसे पहले बजट की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी का बजट 155 से लेकर एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो मैक्स फरी रोड मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी मैक्स फरी रोड मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में टीम के बारे में तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर बेस्ड है एटामिक बौर के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बौर के बाद चारों ओर नज़र आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है जमीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर, दूर तक नज़र नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी पास बचा नहीं है वॉर के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण ज्योत के पास है इस ज्योत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ ज्योत से ही मुक्ति मिल सकती है जोत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिन जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आंतक और उससे लोगों को मृतक देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर कर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुल बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में ज्योत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं है एक्शन सीन का असली मजा थ्री में नजर आएगा ज्योत के रोल में और चालीस थोड़ा का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर रहे थे कि कहां पर आपको यह मूवी देखने को नहीं नहीं ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी देखकर इस, इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैड मैक्स फरी रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है सो आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फरी रोड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैड मैक्स फरी मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको ये मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स, है, तो मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फरी रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैरथी ने एंड निको ल्युथरस ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात किया तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एड्स इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरलाइज थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटली देखने को मिल जाते हैं रिली केग देखने को मिल जाते है जॉय क्राविट्स ली एंड कॉर्टे एटोन भी आपको मैड फरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेटन सिक्स ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम हॉलकनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं विलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सप्री रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को

इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर बेस्ड है एटामिक बॉर के, के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बॉर के बाद चारों ओर नजर आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है ज़मीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नज़र नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी के पास बचा नहीं है वार के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण ज्योत जो, के पास है इस जोत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ जोत से ही मुक्ति मिल सकती है ज्योत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आतंक और उससे लोगों को मृत्यु देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुल बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में जोत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं ही है एक्शन सीन का असली मजा थ्री में नजर आएगा जोत के रोल में हुआ चालीस का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर लेते कि कहां पर आपको यह मूवी देखने को नहीं, नहीं ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे देखकर इस इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैडमैक्स फ्री रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है सो so, आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी दो में रिलीज़ हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फ्री रोड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड रोड मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको यह मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने की पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैरथी ने एंड निको ल्युरस ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात किया तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एड्स इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरलाइज थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटली देखने को मिल जाते हैं रिली केग देखने को मिल जाते है जॉय क्राविट्स ली एंड कॉर्टे एटोन भी आपको मैड फरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेटन सिक्स ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम हॉलकनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो, की है। की की है। तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं विलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज़ हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सप्री रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ क्रक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था तो सबसे पहले बजट की बात की जाए तो मैड मैक्स फरी रोड मूवी का बजट 155 से लेकर एक मिलियन डॉलर का रहा था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो मैक्स फरी रोड मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात होगी मैक्स फरी रोड मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में टीम के बारे में तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर बेस्ड है एटामिक बौर के, के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बौर के बाद चारों ओर नज़र आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है जमीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नज़र नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी पास बचा नहीं है वॉर के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण जोत के पास है इस जोत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ ज्योत से ही मुक्ति मिल सकती है जोत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिन जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आंतक और उससे लोगों को मृतक देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर कर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुल बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में ज्योत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं है एक्शन सीन का असली मजा थ्री में नजर आएगा ज्योत के रोल में हंगान हुआ चालीस का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर रहे थे कि कहां पर आपको यह मूवी देखने को नहीं नहीं ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी देखकर इस, इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैड मैक्स फरी रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है सो so, आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी के बारे में यह मूवी दो में रिलीज हुई थी एंड यह एक हॉलीवुड मूवी है काफ़ी लोग इस हॉलीवुड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं अगर आप भी मैड मैक्स फरी रोड मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैड मैक्स फ्री रोड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड बात करेंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हो तो ये इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अच्छा से कमेंट भी कर देना अगर आपको ये मूवी रिव्यू अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसे नए नए मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है मूवी के अपडेट्स देखना पसंद है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैड मैक्स फरी रोड मूवी की टीम के बारे में सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो मैक्स फरी रोड मूवी को डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने जिन्होंने कि पहले भी बहुत सारी हॉलीवुड सिनेमा में हिट हिट मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जैसा कि मैडमैक्स टू मूवी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी एंड बहुत सारी और भी हॉलीवुड सिनेमा में अच्छी अच्छी मूवीज को डायरेक्ट किया है एंड राइटर की बात की जाए तो मैडमैक्स फरी रोड मूवी को लिखा है जॉर्ज मिलर ने ब्रैंडन एम सी कैर्थी ने एंड निको ल्युथरस ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात किया तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है डोंग मिटचल ने जॉर्ज मिलर ने पीजे बॉयटन है एंडस इसके एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको मैड मैक्स मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हार्डी देखने को मिल जाते हैं चैरलाइज जा थैरोन देखने को मिल जाते हैं निकोलस हॉल्ट देखने को मिल जाते हैं हुग केस बायरन देखने को मिल जाते हैं रॉसी हंटिंगटन वैटली देखने को मिल जाते हैं रिली केग देखने को मिल जाते हैं जॉय क्राविट्स एबे ली एंड कॉर्टे एटन भी आपको मैड फरी रोड मूवी में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाइटोग्राफी की है जॉन सील ने इसके एडिटर की बात की है तो मैडमैक्स फ्री रोड मूवी का एडिट किया है मारगेटन सिक्स ने, ने एंड इसके अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक किया है टॉम हॉलकनबॉर्ग अक्का यूनकी एक्सेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज की बात की है तो मैक्स फ्री रोड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं विलेज रोड शो पिक्चर्स कैनेडी मिलर मेचल पैट पैक डून एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मैड मैक्स फ्री रोड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है रोड शो एंटरटेनमेंट ने एंड वार्नर ब्रोज पिक्चर्स ने रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 14 मई 2015 में रिलीज हुई थी एंड इसके रनिंग टाइम की बात की जाए तो इस मूवी का रनिंग टाइम 120 मिनट देखने को मिल जाता है एंड यह मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है साथ ही में हिंदी वर्जन भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई मैडम एक्सप्री रोड मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उससे आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ क्रक्शन के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को

इस मूवी में देखने को मिल जाता है तो मैड मैक्स फिल्म की कहानी आज की नहीं बल्कि कई हजार पहले होने वाली काल्पनिक कहानी पर बेस्ड है एटामिक बॉर के, के बाद दुनिया बर्बाद हो चुकी है बॉर के बाद चारों ओर नजर आ रहे हैं जिंदा बच्चे चंद लोग जो एटमिक कानों की वजह से ऐसी बीमारी के गिरफ्त में आ चुके हैं जिससे बचना नामुमकिन है ज़मीन बंजर हो चुकी है पेड़ पौधे फूल दूर दूर तक नज़र नहीं आते हाल यह है कि पीने का पानी भी किसी के पास बचा नहीं है वार के बाद इंसानों का रूप बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी लगभग खत्म होने के कगार पर है जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाकर गुजारा किया जा रहा है लेकिन समस्या पानी की है जो एक आमरण आमरण ज्योत जो, के पास है इस जोत के पास ही पानी है जो इन जिंदा बच्चे इंसानों के लिए सबसे ज्यादा कीमती है जिंदा बच्चे लोगों के लोगों ने जोत को भगवान मान लिया है और उन्हें सिर्फ जोत से ही मुक्ति मिल सकती है ज्योत अब किसी शैतान से कम नहीं है पानी की चाह में जिंदा रहे, रहे गए लोग उसके एक पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अगर जोत इशारा करे तो यह बच्चे लोग किसी भी जान ले सकते हैं और अपनी जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं जोत के इस आतंक और उससे लोगों को मृत्यु देने के लिए फ्यूरोशिया अपनी जान की बाजी लगाकर जोत से जोत के खिलाफ जंग बिगुल बिगुल बिजाती है इस जंग में मैक्स उस उसके साथ है फिल्म के एक्शन सीन्स गजब के हैं पहाड़ों के बीच में जोत द्वारा अपने पास जमा पानी को छोड़ने के सीन का जवाब नहीं ही है एक्शन सीन का असली मजा थ्री में नजर आएगा जोत के रोल में हुआ चालीस का जवाब नहीं है एडवेंचर और एक्शन लवर्स के लिए यह मूवी बेस्ट है सो जैसा कि आपको इस मूवी की स्टोरी पता चल गई है अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अब बात कर लेते कि कहां पर आपको यह मूवी देखने को नहीं, नहीं। ये मूवी देखने को मिलेगी अगर आप भी मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यह मूवी काफ़ी ऐसे ओ टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप बड़ी ही आसानी से मैडमैक्स फ्री रोड मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे देखकर इस इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैडमैक्स फ्री रोड बहुत अच्छा मूवी है अगर आपको देखना चाहते हो तो जरूर से देख सकते हो बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छा मूवी को डायरेक्ट भी किया गया है सो so, आज का मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम